कल हमारी ब्राउनी ने शाम के टाइम जो है ना रस्सी तोड़ दी थी अपनी, है भाई ब्राउनी। ब्राउनी को जो है ना मैं खोल के यहाँ घुमाने के लगा थोड़ा सा, इसने जज्बात में आके एकदम रस्सी खींची ना, तो इसकी रस्सी टूट गई और इसकी रस्सी काफ़ी छोटी हो गई। अब मेरा मोबाइल खाओगी क्या है? सब्सक्राइबर को बोलो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बोलो जल्दी से बोलो। ओए गुस्सा केरी, सब्सक्राइब कर दो नहीं तो मैं टक्कर मार दूंगी। ऐसे ही है ना ब्राउनी, ये देखा देखा देखा, समझती है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो ये करीब आके बोल लिया, ठीक है ओके हो गया, चैनल को सब्सक्राइब हो गया, बा हो गया गुस्सा ठंडा कर लो, बा हो गया यार, हो गया, कर देंगे सब्सक्राइब, नहीं करेंगे तो छोड़ दूंगा आपको खोल के, ठीक है। इसने तो छत खाने का आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ, देख रहे हो आप, ये देखो ये, अगर जो है ना ओलंपिक्स में ये गेम होता ना तो ब्राउनी ने गोल्ड मेडल जीतना था। वो देखो अभी भी खा रही है। अब तो क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते इसको कि बोल बोल के थक गए। इसने बोला तुम बोलते रहो मैं खाती रहूँगी, ऐसा सीन है। कल सारी शाम मगरिब के बाद तक जो है ना मैंने अपने शेरादी पिजन्स का वेट करा है कि किसी तरह वो वापस आ जाएं, उनको हमारे घर का याद हो, लेकिन यार वो बेचारे कहाँ गए कुछ समझ नहीं आ रहा। फीमेल जो है ना वो तो पहले ही उड़ चुकी थी, जो बच्चा निकाला हुआ जिसने, और जो दूसरा वाला मेल था उसके साथ का पहले वाला, वो बाद में उड़ा है, वो शायद अपनी फीमेल की तलाश में उड़ा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल जो है इसका बेबी जो है वो अलग हो चुका है यार बेचारा, कि माँ जो है ना वो इसको छोड़ के गई है यार, तुम्हारी माँ चली गई यार तुम्हें छोड़ के। हमने सोचा नहीं था कि हमारे पिजन जाएंगे, वैसे पिजन जाते नहीं है, जब उनके बच्चे निकल जाए ना वो कहीं भी नहीं जाते। और इसको देखें ये किस कदर जो है ना गुस्से में बैठा हुआ है, और बफर फिश होती है ना उसकी तरह फूल रहा है, देखो ये देखो ये देखो बफर फिश की तरह फूल रहा है। तुम्हारे को फीड कराइए तुम्हारे अब्बा ने, दिखाओ ज़रा। हाँ मेल तो इसको पाल लेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो मेल यहाँ पे घूम रहा है, ये देखें ये जो है ना अभी बाहर आने की कर रहा है, तो इसको मैं खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि इसके भी पर पूरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फीमेल की तलाश में बाहर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार आज जो है हमजा भी हमारे साथ आया हुआ है, इसकी एक दो दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया घूमने फिरने के लिए। इसका यहाँ पे काफ़ी दिल लगता है, हमारे पास बर्ड्स हैं ना बहुत सारे, तो इस वजह से। और हमारे काफ़ी भाइयों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आपने जहाँ पे फिंच कॉलोनी बनाई है ना उसके ठीक नीचे आप बजीज की कॉलोनी बनाएं, तो यार इस बात में मैं जो है ना गौर भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो मतलब इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो मतलब बनानी तो पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार आप करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नहीं आज या कल हम जो है ना सोच रहे हैं कि इसके नीचे बजीज की कॉलोनी बना दें, तो देखते हैं कब तक बनती है यार। हमजा अंदर से जो है ना एक कैंची लेकर आ जाओ, क्योंकि हमने जो है ना कबूतरों के पर काटने, अंदर से कैंची ला मंगवा रहा हूँ ताकि जो है ना हम अपने पिजन्स के पर काट के इनको फिर छोड़ें बाहर, क्योंकि मैं अब और रिस्क नहीं लेना चाहता। ये बेचारे बाहर आना चाह रहे हैं, बाहर घूमना चाह रहे हैं, लेकिन यार मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि हमारा कोई और पिजन जाए। कल एक ही दिन में हमारा पूरा शेराजी का पेयर गायब हो गया यार। हमारी एक असील जो है ना ये येलो वाली, जिसको आप जानते ही होंगे जो सबसे ज़्यादा अंडे खाने वाली है, ये बेचारी थोड़ी सुस्त हो गई है, पता नहीं इसको क्या हुआ। इसको जो है ना मैंने चेक भी करा, टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है मुझे। क्या हो गया तुम्हारे को हैं? इसको जो है ना मैंने दवाई दी है, अब इसको जो है ना दोबारा से दवाई देनी पड़ेगी। जाओ घूमो, ये देखें ये ऐसे सुस्त हल्की हल्की होकर घूम रही है, वैसे सही है ना, इसको जुकाम नज़ला कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ऐसे सुस्त महसूस हो रही है। और ये तो माशाल्लाह सारे सही हैं। आ जाओ जल्दी से बाहर निकलो, और तुमने बिल्कुल फड्डा नहीं करना, बहुत फड्डा करने लगी हो। इसने जो है ना उसकी जगह ले ली है, इसने उसकी जगह पक्की कर ली है, मतलब उसके सारे काम अब ये करने लगी है, अंडे ये खा रही है, लड़ ये रही है, और दूसरों को मार भी ये रही है। जकी गैंग हमारी यहाँ पर बंद है, और ये देखें ये देखो ये कितना काटता है, ये देखो इतना काटता है ये देखो अभी फिर आओ बाहर आओ, चलो शाबाश, आ जाओ चलो। यार हमारी जो यवरी डैक है ना ये पता नहीं अंडे दे रही मुझे तो पता भी नहीं है यार, मैं उठा नहीं रहा ना, असल में अबू उठा के रखते हैं, तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि इसके कितने अंडे जमा हो चुके हैं, और ये कुड़ा खोती भी नहीं होती ये भी नहीं पता। इसको आज एक काम करते हैं, बिठा के चेक करते हैं, अंडे इसके करीब रख के चेक करते हैं, अगर ये कुड़क हो रही है ना तो इसको कुड़क पे बिठाते हैं यार, नहीं तो फिर इसके अंडे ख़राब हो जाएंगे। अब जब अंदर आए गए तो इनको दाना भी डाल देते हैं, क्योंकि ये भूखी हो रही हैं और ऊपर आके खड़ी हुई हैं ये लो। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार आप अब और नई फिशेस लेकर आएँ, तो देखते हैं यार पहले इसकी वायर निकाल देते हैं ताकि ये दाना खा लें। ये निकल गया, अब ये खा लेंगे सुकून से दाना, नहीं तो जो है ना ये डरती है लाइट से। ये देखें माशाल्लाह ये अंडे जमा हुए हैं डकी के, इसमें सारे डकी के नहीं हैं, कुछ इसमें बेगम के भी हैं और कुछ जो है ना किसी और के भी हैं, मतलब जैसे इसमें ये वाला तो बेगम का है कन्फर्म,
ये जो केज के नीचे से निकाला ना बेगम, वहीं पे जाके अंडा देती है ना, तो ये वाला भी बेगम का है और एक आधा और होगा इसके अंदर। बाकी जो ये वाले हैं ना जिनके शेल थोड़े से मतलब धुंधले धुंधले और अंदर से एक नज़र आ रहा है, ये वाले डकी के हैं सारे। डकी के अंडे ऐसे ही हैं सारे। तो आज हम उसको चेक कर लेते हैं, अगर वो अंडों पे बैठ रही है ना तो उसको अंडों पे बिठाते हैं यार, नहीं तो ये अंडे ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली लड़का जो है ना हमारा, ये वाला, इसके काटे हैं, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करता है ना, तो इस वजह से इसके काटे हैं। बाकी इन सब के पर पूरे हैं और टेप से बंधे हुए हैं पहले के। सिर्फ एक दो ये और दो शेराजी जो हमारे ना, ये चार ही जो है ना हमारे सेटअप पे बहुत उधम मचा रहे थे, तो कल बस क्या हो गया, दो शेराजी निकल गए, तो अब मजबूरन इनके पर काटने पड़े। तो अब आप लोग बाहर आ सकते हो, और मैंने ज़्यादा नहीं काटे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चार कलियाँ काटी हैं और इसकी जो है ना पाँच कलियाँ काटी हैं, क्योंकि इनकी छः छः कलियाँ कटती हैं, मैंने चार चार पाँच पाँच काटी हैं, एक एक कली एक्स्ट्रा छोड़ी है। अभी देखें ये फ्लाई कर सकता है आराम से सुकून से, लेकिन ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर कॉफ़ी हमारे ये बैठे हुए, इनको खोल देते हैं हमजा, इनको ज़रा बाहर निकालो, इनका केज खोलो, इनको बाहर निकालो ताकि ये भी बाहर घूमें कुछ। चॉकलेट तो हमारा, चॉकलेट हमारी छोटी रह गई है, कॉफ़ी हमारा इतना बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, ये वो आराम से भाई, आराम से, आराम से, वो देखो इतने इतने से पर हैं, एक एक इंच के ऐसे हिलाते हैं जैसे अभी उड़ते फिरेंगे यहाँ पे। मैडम हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से सुन हो के बैठी हुई है, क्योंकि ये फटा करके अंदर गई हुई है। इधर आओ, मैं तुम्हारे को डक्की के घर पे छोड़ दूँ। ये देखो उससे पहले ये आ गया, ये देखो आओ आओ। यार हमारी जो है ना मुर्गियाँ, कुछ एक आधी मुर्गियाँ बीमार हैं, जैसे ये मैडम थोड़ी सी है, और हमारा छोटा डोन भी बीमार हो गया, वो आपको मैं दिखाता हूँ ना, वो भी थोड़ा सुस्त है। ऐसे खुल जा सेम सेम, जाओ मैडम यहाँ पे घूमो, जाओ मैं ला रहा हूँ बच्चों को। कहाँ गए वो दोनों, वो दोनों बदमाश बाहर आ गए। ओए होए, इन्होंने तो मेरे हाथ में नहीं आना, ये देखा देखा, इन्होंने मेरे हाथ में ही नहीं आना। ये देखो, इधर आओ, इधर इधर, डरा के लाओ, ये खुद ही आ जाएंगे। आओ लाओ लाओ लाओ, हाँ चलो चलो अंदर अंदर चलो अंदर। हाँ यहाँ पे ये सेव है। हमारा छोटा डून भी यार थोड़ा सा सुस्त हो गया, महसूस हो रहा है ना, इसलिए मैंने उसको अलग करके अभी रखा है, क्योंकि अभी शाम होते ही उसको दवाई देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है जहाँ हमारा छोटा डून, यहाँ पे इसको मैंने वक्ती तौर थोड़ी देर अलग करके रखा है, तो पता नहीं ये जो है ना थोड़ा सा मुँह खोल खोल के छींके मार रहा है, छे छे करके जो ना ऐसे छींके मार रहा है। छोटे डून कोई नहीं यार, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, अभी जो है ना मैं दवाई दूंगा थोड़ी देर में, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, सही है ना, टेंशन नहीं लेना। एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ और इतना बड़ा सरप्राइज़ आपको देने जा रहा हूँ ना, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुनिया फूल ने अंडा दे दिया है माशाल्लाह। ये देखें आप, इसके अंदर अंडा पड़ा हुआ है, और इनका अंडा कितना अलग है यार, छोटा सा भी है और थोड़ा सा टेढ़ा सा भी है माशाल्लाह। देखें आप, हमारी गुनिया फॉल्स ने अंडा दे दिया है, हम सोच ही रहे थे कि कब अंडा देंगी, फाइनली इन्होंने अंडा दे दिया भाई। अब माशाल्लाह कंफर्म है कि वो वाली तो फीमेल है और ये दोनों मेल ही हैं यार। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है यार, फाइनली यार कितने टाइम बाद जाके इन्होंने अंडा दिया। मेल फीमेल हम पहले ले आते ना तो पहले ही अंडा आ जाता। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है गुनिया फॉल्स का अंडा देख के, आस लगा के बैठे हुए थे कितने टाइम से कि पता नहीं कब अंडे देंगी ये। हम समझ रहे थे हमारी वाली मेल फीमेल है ये, लेकिन हम बाद में फीमेल लाए ना, फिर जाके अंडा आया भाई, क्या बात है। अब इसको हम संभाल के रख देते हैं यार, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए हमसे। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे हमारी एक पिजन ने और अंडा दिया है आज जो है ना, हमारी ये ब्लैक वाली जो फीमेल है इसने अंडा दिया है, गुनिया फॉल्स का अंडा इसके पास रख देता हूँ यार। ये लो यहाँ पे रख देता हूँ, ये अभी डर के मारे उठी हुई है यहाँ से। इधर आओ मेरी बात सुनो, इधर तो आओ। अच्छा 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 अच्छा, कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा भाई, ये बहुत ज़्यादा डरती है, तुम जाओ अपने अंडों के पास बैठ जाओ। गुनिया फॉल्स का अंडा भी अगर ये इंक्यूबेट कर लेती है ना तो भी अच्छी बात हो जाएगी, फिर हम इसके अंडे जो है ना, जो इसने एक अंडा दिया हुआ वो हम हटा देंगे और इसके नीचे गुनिया फॉल्स का अंडा पड़ा रहने देंगे, ताकि गुनिया फॉल्स का बच्चा निकाल ले यार, क्योंकि गुनिया फॉल्स के बच्चे देख रहे हैं हमने, सही है ना। आ जाओ उसको इंक्यूबेट कर लो। और ऊपर वाले बेबी हमारे कैसे हैं भाई, हमने तो वो देखे ही नहीं, आज तो देखने ही भूल गए यार। आज हम जो है ना थोड़ा सा टेंशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा छोटा डोन बीमार हो गया है। माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारे हैं और माशाल्लाह फुली एक्टिव हैं। ये एक बटेर का अंडा यहाँ पे रखा हुआ है, इसके साथ ही रखा था जब ये अंडे दिए थे ना, तभी रखा था, लेकिन अभी तक इसमें से कोई बच्चा नहीं निकला। इसकी कैंडलिंग कर लेते हैं और इन दोनों बच्चों को आराम करने देते हैं। जाओ भाई आराम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अम्मा अब्बा गुस्सा कर जाए और फिर मसला बन जाए। इसकी हम एक कैंडलिंग कर लेते हैं, ये सही है या ख़राब है। ये आ गया अंडा और इसकी कैंडलिंग करते हैं कि ये सही है ख़राब है। ये तो ख़राब है, अनफर्टाइल है, अनफर्टाइल नहीं मतलब ख़राब है, बेकार है। हाँ बेला,
कैसी है बेला भाई? बेला का पाँव जो है ना माशाल्लाह सही हो गया है, बस जो है ना हल्का हल्का सा अभी इसको पेन है, बाकी कोई बोन वोन का इशू नहीं है बेला को, है ना। ये लो अंडा खा लो, ये लो अंडा खा लो, ये लो, ये लो अंडा खा लो, खा लो। जो है ना मैंने डक्की के सारे अंडे उठा लिए हैं, इसके अंदर जो है ना कुछ मुर्गियों के भी अंडे हैं। ज़रा हम इसको चेक करते हैं कि ये अंडों पे बैठ रही है नहीं बैठ रही, पता नहीं कब कुड़क होगी। वो देखो कैसे मटक मटक के चल रही है। अभी पकड़ता हूँ इसको, हम तो ये पकड़ना, ज़रा इसको यहाँ पे रखो, मैं ज़रा उसको देखता हूँ पकड़ के कि ये अंडों पे बैठती नहीं बैठती। इधर आओ, इधर आओ, अंडे दे दे के। अरे अरे अरे, पकड़ी गई, पकड़ी गई, हाँ पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली। तो मेरे हाथ से छूट के फरार हो गई है, लेकिन मैंने ये तैयार करा है। इसके ऊपर ज़रा अंडे रख के इसको चेक करते हैं एक अलग से जगह पे बिठा के कि ये बैठ रही नहीं बैठ रही। अंडे लेना अबू। अबू भी अभी अभी आए काम से, ये सारे अंडे यहाँ रख देते हैं हम। चौदह पंद्रह अंडे के बाद कुड़क हो जाती है ये, इसको चेक कर लेते हैं अगर ये कुड़क हुई है तो। लेकिन आओ इधर आओ, इसको हम एक जगह बिठा के देखते हैं ये कुड़क हुई है या नहीं हुई है। हो गया काम सही है, अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैठ रही है या नहीं बैठ रही। अगर ये बैठने लग गई ना तो फिर पक्का मैंने इसको जो है ना अंडों पर बिठा देना है कहीं दूसरी जगह पे। अभी पहले इसको ला के चेक करता हूँ कहाँ गई। वो गई ये, ये देखो ये मेरे को काटने आ गया। क्या है क्या है, काटोगे मेरे को? ये देखना काटेगा अभी, ये देखो। ओए ओए ओए, ये देखो ये देखो ये देखो, इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। मैंने इसकी बेगम उठा ली ना, मेरे को पकड़ लिया। चलो जाओ डक्की अंदर, हाँ इधर बैठो अंडों पे, बैठ जाओ अंडों पे। इतने सारे अंडे दिए हैं अभी तक कुड़क नहीं हुई, बैठो अंडों पे, बैठ जाओ। इसको थोड़ी देर हम बिठा देखते हैं कि ये बैठ रही नहीं बैठ रही, नहीं तो फिर उठा देंगे यार, कहीं से ना अंडे गुस्से में तोड़ दें। नहीं बैठेगी ये, नहीं बैठेगी ये, अभी मेरे ख्याल से कुड़क नहीं हुई है यार। इसको जो है ना मेरे को लगता है कि कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो इसको ब्रह्मा के घर में शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो ये मेरे को अभी भी काट रहा, पकड़ लूँगा मैं तेरे को। या तो इसको यहाँ ब्रह्मा के घर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, प्राइवेसी देनी पड़ेगी, फिर जाके ये अंडों पे बैठेगी। अंडों को मैं वापसी अंदर रखवा देता हूँ। अब आप अंदर जा रहे हो ना, ये रख देना अंदर, ये अंदर संभाल के रखवा दो। बाद में जब ये कुड़क होगी ना फिर हम इसको बिठा देंगे। अभी इसने 15 अंडे दिए हमें, हो सकता है 16 या 17 अंडे के बाद कुड़क हो जाए, या फिर आपने कोई तरीका बताना किसी तरह। जैसे ट्राई करके इसको देखा है कि शायद ये अंडों को देख के बैठ गया, लेकिन नहीं बैठ रही, भागने की कर रही है। बस फटाफट उठो, छोड़ो, बस भागना है उसको, भागना है। ऊपर से उन तीनों ने जीना आराम करा हुआ, उसको हाथ भी लगाने नहीं देते।